वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम्पल. दिस इज एग्जाम्पल 8 फ्रॉम अवर मॉड्यूल 20. दिस में भी आस्क इन JEE मेंस 2020. आपको आ सकता है एग्जाम्पल. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 1/4 कॉस इनवर्स ऑफ -1/9. लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/4 कॉस इनवर्स ऑफ -1/9 इक्वेशन 1. ना अच्छा अपने को पता चल गया किसको थीटा पकड़ने का या अल्फा पकड़ने का आइडिया आ गई है. क्या करना इसको थीटा या अल्फा. लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/9. इसको इधर लेके आ गए कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/9. ये कॉस थीटा मिल गया. नाउ डोंट जंप टू फाइंड साइन थीटा इमीडिएटली. डोंट डू दैट. पहले देखो कॉस थीटा की वैल्यू इधर ये डालने से क्या होता है. cos इनवर्स ऑफ -1/9 को थीटा डालो तो क्या होता है. इक्वेशन 1 बिकम्स y is equal to sin of 1/4. व्हाट इज दिस थीटा नीतीश अपन. सो y is equal to 1/sin of 1/4 into थीटा. दैट इज y is equal to sin of थीटा बाय 4. इक्वेशन नंबर 2 y is equal to sin of थीटा बाय 4 इक्वेशन 2. अब खतरनाक एक एक स्टेप चालू करना है. साइन थीटा बार फोर तक कैसे पहुंचेंगे. देखो पहले कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/9. कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/9. 1 प्लस कॉस थीटा यूज किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. सो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा. 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा. बट कॉस थीटा इज -1/9. 1 -1/9 8/9. 2 से इसको डिवाइड किया अपन ये साइड को तो ये रहेगा 4/9. तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. सो क्या बचा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 4/9 एंड देयरफॉर कॉस थीटा विल बी 2/3. आई रिपीट कॉस थीटा विल बी 2/3. नाउ व्हाई कॉस थीटा विल बी 2/3 व्हाई नॉट माइनस. कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल विल बी ब्रांच है 0 टू पाई. बट कॉस ऑफ थीटा बाय 2 होता तो उसका आधा होगा. उसकी प्रिंसिपल विल ब्रांच है 0 to 90 एंड 0 to 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव. यू कैन नॉट टेक नेगेटिव. इसीलिए कॉस थीटा कैन नॉट बी नेगेटिव. सो कॉस ऑफ थीटा बाय 2 वी कैन टेक इट एज 2/3. नाउ व्हाट इज कॉस 2 थीटा. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. यहां 2 थीटा है तो यहां 1 थीटा हुआ. कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. यहां कॉस थीटा लिया तो यहां थीटा बाय 2 होगा. वेरी गुड यू गॉट इट राइट. कॉस थीटा लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा और उसका भी आधा किया कॉस ऑफ थीटा बाय 2 किया तो इधर क्या आएगा थीटा बाय 4. वेरी गुड. सो कॉस ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 4. क्लास सिक्स स्टेप एंड कॉस ऑफ थीटा बाय 2 कितना आया था 2/3. सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 4 इज इक्वल टू 2/3. ये उधर गया ये इधर आया तो ये होगा 1 माइनस 2/3. 3 माइनस 2/3 1/3 आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4. साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 4 विल बिकम 1/6. साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 विल बिकम 1/6. देयरफॉर साइन ऑफ थीटा बाय 4 विल बिकम 1/√6. अगेन नो प्लस माइनस. यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नाउ ओनली अगेन कमिंग बैक टू 0 टू 45 डिग्री. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू 45 में साइन इज पॉजिटिव इसीलिए 1/√6. अब व्हाट इज साइन थीटा बाय 4 फ्रॉम इक्वेशन 2. इट इज नथिंग बट y. सो y इज इक्वल टू 1/√6. बट व्हाट इज y द गिवन क्वेश्चन. And therefore, sine of 1/4 cos inverse of -1/9 is equal to 1/√6. So all such examples में आज के बाद डरने का नहीं. JEE में इसमें आ गया तो इसको थीटा या अल्फा पकड़ के आधे डाल दो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा.